हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे माय टॉपिक इज स्केलेटन मसल्स। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्केलेटल मसल है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा ये रिलेटेड टॉपिक हम आपको बता रहे हैं कि जो आपके स्केलेटन मसल्स पाए जाते हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, उसमें किस तरीके के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, वो मसल्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है। उनकी नेचर्स की हम बात करें तो जो आपके इलास्टिक इन नेचर्स होते हैं, इन इलास्टिक इन नेचर आते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो किस तरीके से सेल से फॉर्म होते हैं, मोस्टली चीज़ें हम इस टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे। और भी इसमें एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो भी मसल्स होती हैं वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जो उसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं या नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं वो किस तरीके से कार्य को करते हैं, मैसेंजर के द्वारा कार्य करते हैं। और उसमें जो नर्वस सिस्टम आती है उनका नाम क्या दिया गया है, तो हम बताना चाहेंगे आपको कि जो मसल सिस्टम होते हैं अकॉर्डिंग उसको देखा जाए बेसिकली, मतलब नॉर्मल आधार पर इसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। ये तीन मसल्स होती हैं जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। अब हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो स्केलेटन मसल्स होता है वो आपके एक स्ट्रक्चर को, शेप को दिखाने की कोशिश करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग का जो आपका आदमी का स्ट्रक्चर हो गया, या एनिमल का स्ट्रक्चर हो गया, या जो भी आप स्ट्रक्चर्स देखते हैं उस तरीके से ये फॉर्म करते हैं कि ये स्कल हो गया, चेस्ट हो गया, ट्रंक हो गया, होल्डर्स हो गए, बेली हो गए, लेग्स हो गए, हैंड हो गए, इस तरीके से एग्जांपल्स को वो सेट करते हैं। अब बात करें मसल्स की, तो जो मसल्स होते हैं उनको बेसिकली तीन भाग में डिवाइड किया गया है, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। अब ये बात करें कि इसमें जो नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं या न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, हम आपको ये बताना चाहेंगे जो स्केलेटन मसल्स होते हैं उसमें वॉलंटरी नर्व पाए जाते हैं, और जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें इनवॉलेंट्री नर्व पाए जाते हैं, और कार्डिक मसल्स में भी इनवॉलेंट्री नर्व पाए जाते हैं। स्केलेटन मसल्स आर अ टाइप ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यूज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इस पॉइंट में यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो स्केलेटन मसल्स होते हैं वो एक तरीके के स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, या स्ट्रेटेड मसल टिश्यूज पाए जाते हैं विच आर अंडर कंट्रोल, और उनके अंदर कार्य को देखा गया है तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मीन्स कि जो आपकी मसल्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करके, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो या उसमें न्यूरॉन्स पार्टिसिपेट करें, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो, सिंपैथेटिक हो, लाइटिक हो या मिमेटिक्स हो, किसी भी प्रकार के क्रिएटिविटीज़ जो आ रही हैं वो सारी चीज़ों को इसमें कंट्रोल करने का कार्य को करते हैं। अ बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर विच एक्ट एज अ लिंक बिटवीन बोन एंड स्केलेटन मसल्स इज नोन एज टेंडन। अब इस पॉइंट में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बंडल्स पाए जाते हैं कोलेजन्स ऑफ फाइबर्स के, जो आपके स्केलेटन मसल्स में पाए जाते हैं, वो जुड़े होते हैं बोन्स और स्केलेटन मसल्स के बीच में, या इनके द्वारा ये जुड़े होते हैं, उसी को कहा गया है टेंडन। मसल फाइबर्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्केलेटन मसल्स। अब इसमें बता रहा है कि जो मसल फाइबर्स होते हैं ये स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं या कहलाते हैं स्केलेटन मसल्स के। द थिकनेस ऑफ मसल फाइबर 10 to 100 micrometer एंड लेंथ 1.3 centimeter। अब इस पॉइंट में बता रहा है कि जो उसकी थिकनेस है और जो उसका लेंथ है, मीन्स कि जो उसकी मोटाई और चौड़ाई है, उसके बारे में बता रहा है कि जो उसकी लेंथ है, सॉरी, जो उसकी थिकनेस है वो 10 to 100 micrometers एंड लेंथ की बात करें तो 1.3 centimeter में। ईच मसल फाइबर कंपेराइजेस ऑफ द डेलीगेट स्ट्रैंड नोन एज मायोफाइब्रुलस विच आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज सेक्रोलीमा। अब इस पॉइंट में बता रहे हैं कि जो सब अलग अलग जो मसल्स फाइबर पाए जाते हैं उनका कंपेराइज किया जाता है या देखा गया, वो डेलीगेट्स करते हैं स्ट्रैंड नोन एज मायोफाइब्रुलस, जो मायोफाइब्रुलस इसमें पाए जाते हैं। अब वो मायोफाइब्रुलस क्या होते हैं, पूरा का पूरा कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कहा गया है सेक्रोलीमा। मायोफाइब्रुलस कंसिस्ट ऑफ मेनी सेक्रोमर्स, और जो जितने भी मायोफाइब्रुलस होते हैं वो घिरे होते हैं किससे, सेक्रोमर्स से।
असेक्रोमर्स इज कंपेराइज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, और वो जो सेक्रोमर्स पाए जाते हैं उसके अंदर वो घिरे होते हैं या पाए जाते हैं इनके फॉलोइंग एलिमेंट्स भी होते हैं, जिनको कहा गया है थिन फिलामेंट्स के नाम से जाना जाता है, थिक फिलामेंट्स के नाम से जाना जाता है, इलास्टिक फिलामेंट्स के नाम से और इन इलास्टिक फिलामेंट्स के नाम से जाना जाता है। मेनी सेक्रोमर्स टुगेदर फॉर्म अ मायोफाइब्रुलर, मेनी फाइब्रुलस टुगेदर फॉर्म्स अ मसल फाइबर एंड वेरियस मसल फाइबर्स फ्रॉम अ मसल। अब इस पॉइंट में ये बता रहा है कि जो बहुत सारे सेक्रोमर्स पाए जाते हैं टुगेदर, वो जुड़े होते हैं या पाए जाते हैं, फॉर्म्स अ मायोफाइब्रुलस, मेनी फाइब्रुलस, और जो मेनी फाइबर्स होते हैं टुगेदर्स होते हैं, मिलते हैं तो मसल्स फाइबर्स को फॉर्म करते हैं, और वेरियस टाइप के मसल्स फाइबर्स जो है वहाँ पे फॉर्म होते हैं और मसल्स को बनाते हैं। अभी आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्केल्टन मसल सेल का सेक्शन काटा गया है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हमने 5 तरीके के स्ट्रक्चर्स को प्रेजेंट किया है। फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर्स है हम आपको बताना चाहेंगे इंटायर मसल्स, वो जो पूरी मसल्स होती हैं वो पूरी बॉडी में, वो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा काटा गया सेक्शन, और मसल फाइबर्स को भी दिखाया गया, बंडल्स भी दिखाए गए, कि जो आपका बी वाला स्ट्रक्चर है ये बी वाले में बंडल्स को भी प्रेजेंट किया है। और देन जो इलास्टिक जो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि मसल्स फाइबर विथ न्यूक्लियस एंड सेक्रोमर्स, जो सेक्रोमर्स इसमें पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में सेक्रोलीमा भी पाया जाता है और फिलामेंट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इस तरीके के सेक्शंस को भी प्रेजेंट किया है, और थिन एंड थिनी फिलामेंट्स जो इसमें इसके अंदर स्ट्रक्चर्स शो कर रहे हैं उसको भी दिखाया गया, और देन ये आपको बड़े थोड़ा सा जूम करके स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया। तो ये क्या है, इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपके सेक्रोमर्स हैं विच फिलामेंट्स एंड बंडल्स एंड जोन्स, उसके अलग अलग जोन्स को दिखाया गया, जिसको आई और एच और आई से प्रेजेंट किया गया और ए बंडल से भी प्रेजेंट किया गया, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस, मींस कि जो आपके मसल्स हैं वो किस तरीके से, हाउ द सिस्टम बॉडी वर्क, वो किस तरीके से आपके बॉडी के साथ वर्क करते हैं, तो बात करते हैं इसका। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज आल्सो कॉल्ड मसल ट्विच और ट्विच, इसको मसल ट्विच के नाम से भी जाना जाता है या ट्विच के नाम से भी जाना जाता है। जो कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि एक तरीके से मसल्स का ज़्यादा जो है आपस में टाइटनेस होना, और उसके बीच में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका पार्टिसिपेट करना, वो वही कहलाता है कि फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब कह रहे हैं कि जो उसके नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं आपको, ट्विच टेक्स प्लेस विद चेंज इन द लेंथ ऑफ अ मसल फाइबर विच इज अ फाइबर इंटायर इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ। अब ये बताने की कोशिश कर रहा है, जो ट्विच हो जाती है वो टेक प्लेस करता है, मींस कि जो मसल्स टाइट हो जाते हैं, कॉन्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो चेंज कर देते हैं लेंथ। जैसे आपके मसल्स लूज होते हैं तो किस तरीके से होते हैं, और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो मसल्स क्या होते हैं, ट्विच हो जाते हैं, मींस कि आपस में एक शेप ले लेते हैं, उस तरीके की पॉइंट को यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो आपका जो सरफेस होता है या जो लेंथ होता है मसल्स का, या तो वो डिक्रीज हो जाता है या तो वो इंक्रीज हो जाता है, जो हमने ऐसे शॉर्ट एरो में आपको प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपेराइजिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस। अब इस पॉइंट में यही बता रहा है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, बॉडी का मेन पार्ट्स होता है, उसी के अंदर ये सब सारी चीज़ें होती हैं, उसको कंपेयर किया गया है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले इसमें कार्यरत होते हैं, और वो क्या करते हैं, कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होता है वही हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सबसे ज़्यादा योगदान देने की कोशिश करते हैं। द मसल कॉन्ट्रैक्शंस विच आर वॉलेंट्री इन नेचर आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। अब इसमें ये बता रहा है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस है उसका जो नेचर होता है वॉलेंट्री इन नेचर होता है, वॉलेंट्रियस, जैसे कि वो अपनी क्रिएटिविटी को नर्वस सिस्टम के साथ वो कार्य करने के लिए कार्यरत होते हैं, उनका नेचर ही यही होता है, और उसके साथ साथ ये कंट्रोल करता है मानव ब्रेन को, जो आपके मानव ब्रेन है उसको भी कंट्रोल करने का ये कार्य करता है। विच द वॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड बाई द स्पाइनल कॉर्ड, और जो उसमें आपके इनवॉलेंट्री नर्व्स पाए जाते हैं उनके रिफ्लेक्शन से क्या होता है, कंट्रोल्ड होते हैं स्पाइनल कॉर्ड की एक्टिविटी। सेक्रोमर्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटन मसल्स एंड आल्सो द बेसिक
contractility unit of the muscle contraction. अब इसमें बता रहे कि जो सैक्रोमर्स होते हैं वह क्या होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे और फंक्शंस के आधार पे ये यूनिट होते हैं स्केलेटल मसल्स के, एंड आल्सो बेसिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और उनका जो जो मतलब बेसिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है कार्य के आधार पे उसकी यूनिट दी गई है मसल कॉन्ट्रैक्शंस का. अ सैक्रोमस कंपेराइजिंग ऑफ द थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, इलास्टिक फिलामेंट एंड इन इलास्टिक फिलामेंट्स. अब इसमें बताया कि जो सैक्रोमस पाए जाते हैं उनको कंपेयर किया गया तो देखा गया उसमें थिन बहुत पतला, थिक ही थोड़ा सा मोटा इस तरीके का, और इलास्टिक जो रबड़ में जो नेचर होता है उस तरीके की, और जो थोड़ा रबड़ टाइप का नेचर नहीं होता इस तरीके के फिलामेंट्स वहाँ पे देखे गए हैं. अब हम बात करते हैं कि जो ये फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस है, एक स्लीडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से भी कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशंस में या मेडिकल के क्षेत्र में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है. अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें बहुत सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है, जो मसल्स फाइबर्स होते हैं या जो उनके फिलामेंट्स होते हैं कैसे होते हैं, पतले होते हैं, थिक ही होते हैं, और वो जो कंट्रोल करते हैं तो वो किस तरीके से स्लाइडिंग मतलब एक तरीके से देखा जाए कि स्लाइडिंग मतलब परत दर परत इस तरीके से, या तह दर तह जैसे आप रोटियां बनाते हो एक के ऊपर एक रखते, उस तरीके से आपके जो स्लीडिंग फिलामेंट की जो थियरी है वो उस पर फिट होती है, क्योंकि जो हमारे मसल्स होते हैं वो लाइक दिस आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सेल होते हैं, उसमें न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे बंडल्स होते हैं जो परत दर परत आपस में बैठती हैं और इकट्ठा होती है, और एक सेल से कई सेल का निर्माण होता है और जो जाके आगे नेक्स्ट उसका फॉर्म करती हैं अलग स्ट्रक्चर्स का. तो अब हम डेफिनेशंस की बात करें कि स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी के बारे में. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी स्केलेटन मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस कॉजेस शॉर्टनिंग ऑफ द लेंथ ऑफ मसल फाइबर्स ड्यू टू द स्लीडिंग. अब इसमें ये कह रहा है स्लीडिंग ऑफ द थिकनेस एंड थिक फिलामेंट्स ओवर वन अनदर. अब ये कह रहा है कि इनके आधार पे इस थ्योरी को जब डिफाइन किया गया तो जो स्केलेटन मसल है उसको कॉन्ट्रैक्शंस के आधार पे जो कॉज होती शॉर्टनिंग, जो मसल्स छोटे हो जाते हैं या उनकी लेंथ कम हो जाती है उस पे किसके कारण होता है, मसल फाइबर के कारण होता है, और ड्यू टू उसी को कहा गया है स्लीडिंग ऑफ द थिकनेस एंड थिकनेस ओवर ऑन अनदर. अब कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि दिस थियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन मसल इज नोन एज स्लीडिंग फिलामेंट थियरी ऑफ स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शंस. अब ये पॉइंट में भी बता रहे हैं कि जो ये थियरी है एक तरीके के कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बता रहे हैं या फिजियोलॉजी उसकी बता रही है, और जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसी को कहा गया है स्लीडिंग फिलामेंट, और इस थियरी के आधार पे स्केलेटन मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस को ही कहे गए हैं. आई होप जो भी हमने आपको ये वीडियो बनाए हैं या जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दिए हैं आपको पसंद आएंगे, और इसको थोड़ा सा आप लोग जो है जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.